के बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। आपको बताना चाहेंगे कि हल्द्वानी दौरे पर है सीएम धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी दौरे पर है सीएम धामी। वहीं काठगोदाम के सर्किट हाउस में बैठक करते हुए नजर आएंगे। वहीं अधिकारियों के साथ भी सीएम धामी बैठक करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम धामी हल्द्वानी के दौरे पर है, जहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए, चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और काठगोदाम के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक होती हुई नजर आएगी। और योगेश शर्मा का रुख कर लेते हैं, जो हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो योगेश, काठगोदाम के सर्किट हाउस में आज एक अहम बैठक होने जा रही है, हल्द्वानी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा जल्द ही जो मॉनसून सीजन आने वाला है, उसकी तैयारियों की भी यहां पे समीक्षा की जाएगी और कुछ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी बैठक की जानकारी सीएम की मिल रही है। लेकिन अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और दोपहर 3:15 बजे हल्द्वानी से चंपावत के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। इसके बीच में कई सारे उनके कार्यक्रम हैं। भाजपा के जो जिलाध्यक्ष प्रताप मिश्र, उनकी माता जी का कुछ दिनों पहले ही यहाँ निधन हुआ था, उनके घर भी जाकर तो संवेदना व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा खास तौर से जो आज की बैठक है वो मॉनसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा है, क्योंकि मॉनसून सीजन आने वाला है और कुमाऊं मंडल में जो है कई पहाड़ी रास्ते ऐसे हैं जो बंद हो जाते हैं, जिससे कई सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है, तो इसको लेकर विशेष जोर मुख्यमंत्री यहाँ पर देने वाले हैं। जी बिल्कुल योगेश, तो जैसा कि आपने बताया कि मॉनसून के मद्देनजर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो लगभग कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, कुमाऊं मंडल के कमिश्नर आईजी नीरेश आनंद भरने के साथ ही एसएसपी डीएम सहित कई विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे, जो पूरी जानकारी देंगे कि आपदा कंट्रोल रूम किस तरह से तैयार किया जाएगा, एसडीआरएफ की किस तरह से तैयारी है, कहीं भी अगर पहाड़ों में रास्ते बंद हो जाते हैं उनको खोलने के लिए किस तरह से जेसीबी वहां पर तैनात की जाएगी, या दूसरी व्यवस्थाएं किस तरह की गई है, क्योंकि मौसम को लेकर लगातार अलर्ट मिल रहा है, भारी बारिश बर्फबारी की अलर्ट भी पहाड़ों की तरफ जारी किया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा, तो उसको लेकर सीएम यहाँ पर समीक्षा करेंगे और दिशा निर्देश देंगे कि सभी तैयारियां जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे आगामी मानसून सीजन में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। बिल्कुल योगेश, और मानसून सीजन में केदारनाथ यात्रा पर और चार धाम की यात्रा पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े और किसी तरह का असर ना पड़े, इस पे भी विशेष चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। देखिए, सभी तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि चार धाम का जो रूट है वो कुमाऊं मंडल से होकर ही जाता है, चाहे केदारनाथ जाते हो चाहे बद्रीनाथ जाते हो, क्योंकि यूपी दिल्ली के जो अधिकतर यात्री हैं वो इसी रूट का सहारा लेते हैं, तो रास्ते कई बार इस तरह की दिक्कतें आती है कि जब भारी बारिश होती है तो रास्ते कई जगह बंद हो जाते हैं, जिससे पर्यटक जगह जगह फंस जाते हैं, तो उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। अगर कहीं इस तरह की संभावना आ जाती है कि सड़कें बंद हो जाती है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि यात्रियों को जिससे कुछ उसी स्टेशनों में रोक दिया जाए, तो इसको लेकर भी साफ तौर से जोर दिया जाएगा। चारधाम यात्रा विशेष तौर पर सीएम के फोकस में है, क्योंकि देश विदेश से यात्री यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। बिल्कुल योगेश, तो ये बैठक लगभग कितनी देर में शुरू हो जाएगी और कब तक सीएम के पहुंचने की आशंका, कब तक पहुंच जाएंगे सीएम धामी? देखिए, दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस पहुंचेंगे और उसके कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। दोपहर का भोजन भी हल्द्वानी का सीएम का काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में है, तो लगभग ये संभावना जताई जा रही है कि 1:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तो 1 घंटे की अधिकारियों के साथ पूरी बैठक ये रहने वाली है। जी ठीक है योगेश, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर है और विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलकर वो बैठक भी करेंगे।